Hello everyone, my name is Lak Sharma and I am pursuing MCA from NIT Durgapur, and today we are going to discuss about some query related to the placement. And today we have some guests in my left, and Apurva Mishra from NIT Durgapur. In my right we have Vikrant from NIT Allahabad, and they will give you a short intro about themselves. Myself Apurva Mishra, and I am pursuing MCA from NIT Durgapur. Hello guys, I am Vikrant. I am pursuing MCA from NIT Allahabad. In the final year, I just got selected in Probiotic Solutions. I try to solve some placement related query of these students which are in fresher. So let's proceed. So ab hum log discussion karenge hum log ke topic pe jo hai placement related queries. सो एज़ अ फ्रेशर, जैसे मैं भी फ्रेशर्स हूँ NIT दुर्गापुर में, मुझे भी बहुत सी क्वेरी हैं कि किस हिसाब से मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस हिसाब से मुझे टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, कहाँ पे मुझे कौन से रिसोर्सेज का यूज़ करके प्लेसमेंट के लिए अपने आप को एलिजिबल बनाना चाहिए. तो इसलिए हमारे पास हमारे सीनियर हैं जो हमारे सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे. आज हम एक कॉमन क्वेश्चन पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो बहुत सारे फ्रेशर्स के लिए होता है. जैसे मैं भी NIT दुर्गापुर से MCA कर रही हूँ, मुझे भी इस क्वेश्चन के बारे में बहुत डाउट है कि कम्युनिकेशन स्किल कहाँ तक मैटर करती है, मतलब जॉब टाइम पे. तो इसका आंसर आज हम हमारे सुपर सीनियर विक्रांत सर से पूछेंगे जिनका प्लेसमेंट हो चुका है. तो आइए हम उनसे पूछते हैं. आज हम एक कॉमन क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल हमें कैसे अपनी अच्छी करनी चाहिए प्लेसमेंट के लिए. तो उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे हमारे सीनियर विक्रांत सर से. देखिए आपने बोला कम्युनिकेशन के लिए, तो देखिए कम्युनिकेशन मैटर करता है कि जितना आपका अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतना आपका एडवांटेज मिलेगा. कंपनियां आती है तो कम्युनिकेशन तो मस्ट होता है. लाइक इफ़ यू आर डूइंग परसुइंग फॉर आस्किंग फॉर अ MNC, सो डेफिनेटली बाहर के क्लाइंट होंगे तो आपको कम्युनिकेशन मस्ट होगा. लेकिन आप लोग कम्युनिकेशन को इंग्लिश से मिक्स कर देते हैं. ऐसा नहीं है. कम्युनिकेशन मीन्स यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ टू अदर्स. आप अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन, नॉट इंग्लिश. बट येस, इंग्लिश इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज. एवरीबडी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश. सो इंग्लिश इज़ मस्ट इन कम्युनिकेशन. सो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपके पास एक बेहतर एडवांटेज है जो कि दूसरों के पास शायद ना हो. तो आपको अपनी इंग्लिश पे तो वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा, जिससे कि आपको आगे फ़ायदा मिलेगा. हाँ, तो काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि जैसे कि MCA के प्लेसमेंट के लिए हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए, हमारे ग्रेजुएशन में कितने होने चाहिए, हमारे 10th 12th में कितने होने चाहिए, और हमें PG में किस हिसाब से परसेंटेज बनाना चाहिए कि हम सारी कंपनियों में बैठ सकें. देखिए लक्ष्य, ग्रेड ज़्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन ये है कि आपके पास जितनी भी चीज़ें होंगी उतना आपको एडवांटेज मिलेगा. ठीक है, तो ग्रेड का क्या है कि ग्रेजुएशन का तो ग्रेड बहुत ही कम कंपनियां पूछती हैं कि आपको 65 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, बहुत ही कम कंपनियां होती हैं. हाँ, कुछ कंपनियां हाई स्कूल और 12th के ज़रूर रखती हैं कि हाँ आपका 60% है, तो आपको कुछ ज़्यादा कंपनियों में बैठने का मौका मिलेगा. और जहाँ तक रही बात PG की, तो आप MCA कर रहे हैं तो जो अच्छी कंपनियाँ होती हैं वो कोई भी ऐसा कोई ग्रेड नहीं रखती हैं, सिर्फ 5 CPI मांगती हैं, जो कि नॉर्मल होता है, बहुत ही लो स्कोर होता है 5 CPI. तो वो आप डेफिनेटली आपके पास हो गई, तो उससे ज़्यादा कोई मैटर नहीं है. हाँ, जो कुछ कंपनियाँ होती हैं, कोई नई कंपनी है या फिर कुछ कंपनियों का होता ही है कि हाँ उनको रखना ही है, तो आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते कि हाँ वो लोग 60% रखती हैं हाई स्कूल में. हाँ, लेकिन ग्रेजुएशन का जो ग्रेड है उसमें कोई भी कंपनी आपसे ज़्यादा नहीं मांगती ग्रेड. बहुत ही 1-2 कंपनियाँ होती हैं जो आपसे ग्रेजुएशन के मार्क्स मांगती हैं, बाकी हाई स्कूल में कुछ रखती हैं या फिर जो अच्छी कंपनियाँ होती हैं वो कोई भी आपके पास क्राइटेरिया नहीं रखती, सिर्फ आपका MCA में अगर 5 CPI है तो इनफ है बस. विक्रांत सर, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि गैप अगर हमारा एकेडमिक में है तो वो जॉब टाइम पे या प्लेसमेंट टाइम पे हमारा कितना मैटर करता है? देखिए, गैप कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मेरे हिसाब से नहीं मैटर करता. और अगर आपके पास कोई अच्छा रीज़न है गैप का तो आपके लिए प्लस पॉइंट भी हो सकता है. मेरा भी 1 साल का गैप था 12th के बाद, तो मुझसे HR राउंड में उन्होंने पूछा कि आपका सबसे बड़ा फेलियर क्या था, तो मैंने उनको एक एडवांटेज के तौर पर बताया कि हाँ मेरा 1 साल का गैप था वो मेरे लिए सबसे बड़ा फेलियर था, और मैंने उसको बाद में इंप्रूवमेंट भी किया, तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया. तो गैप ऐसा नहीं है कि आपके लिए हर कंपनी मांगती है कि आपका गैप नहीं होना चाहिए. कुछ शायद ही मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई कंपनी ऐसी नहीं जिसने गैप के लिए कोई कंडीशन रखी हो, और यहाँ तक कि मेरे साथ वाले जो दोस्त थे उनका 3-3 साल का भी गैप था, तो उनका भी प्लेसमेंट हो गया, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है. हाँ, तो मेरा विक्रांत जी से एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सब बच्चों के बीच, कि जैसे एज अ फ्रेशर्स हम लोग जाते हैं पहले, तो वहाँ पे रश लगा होता है, सब लोग कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो ऐसे में एक क्या स्टूडेंट को आप गाइड करेंगे कि किस हिसाब से वो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करे, स्टार्टिंग से कौन सी बुक पढ़े, किस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करे एज अ कंपनी में बैठने के लिए?
अगर स्टार्टिंग से आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है तो वैसे तो इतना ज़्यादा कोई फोकस करने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि आप अभी फ्रेशर हैं, तो आपको अभी भी अपने एकेडमिक्स पे ध्यान देना है। आप जैसे जैसे एकेडमिक्स पे ध्यान देंगे, देखिए आगे चल के आपके जो सब्जेक्ट हैं वही आपके लिए हेल्प करेंगे आपको। जो अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आप उसको ध्यान से पढ़िए, अभी इंटरव्यू पर उतना फोकस मत करिए। हाँ, अगर आपको कुछ कम्युनिकेशन वर्क करना तो आप करिए, लेकिन साथ ही साथ अपने एकेडमिक पे फोकस करिए, जो कि आपको हेल्प करेंगे। आप एकेडमिक फोकस करिए, बाद में आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुनेंगे जो कि आपका बताएंगे इंटरव्यूअर को, फिर वो आपको आपसे उस क्वेश्चन पूछेगा। अब आपने अगर सेमेस्टर में उससे ध्यान में पढ़ा है तो आपको जब लास्ट टाइम होगा तो उस टाइम पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है, तो वो आपके लिए एडवांटेज होगा। अब आपने अगर उस समय नहीं पढ़ा तो आखिरी के टाइम पर आपको फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है कि हाँ आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए तो आपको एकेडमिक्स पर फिलहाल तो फोकस करिए, आप अभी फर्स्ट ईयर में, तो आप अभी एकेडमिक फोकस करिए। जब आपके सेकेंड ईयर के लास्ट में आ जाए तो आप चाहें तो आप अगर पहले से पढ़ा रखा है अगर वो सब्जेक्ट आपके अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी वही है तो आपके लिए डेफिनेटली एडवांटेज है, क्योंकि आपने पढ़ रखे हैं। तो इंटरव्यू के लिए तो आप शुरू से ही पढ़िए। हाँ, कोडिंग पे थोड़ा ध्यान देते रहिए, कई सारी वेबसाइट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, उन पर आप कोडिंग करते रहिए लगातार, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दैट्स ऑल। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है सर से कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारे बच्चे NITs में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं जो BSc मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फर्स्ट सेम में मतलब फेस करनी पड़ती है, जैसे मैं कर रही हूँ। तो बहुत मैं बस ये तो मैं अपने सीनियर सुपर सीनियर से पूछती हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम लोग ही अच्छा करोगे, क्योंकि वो बोलते हैं कि BSc बैकग्राउंड वाले ही ज़्यादा अच्छा करते हैं। मैं बस अपने सीनियर से विक्रांत सर से ये पूछना चाहती हूँ क्या मतलब मैं अपनी कोडिंग कैसे अच्छी करूँ, और मतलब क्या ये सच है कि BSc बैकग्राउंड वाले ही अच्छा करते हैं? देखिए, BSc और BCA लोग अक्सर डरते हैं कि हाँ मैं BSc बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे आगे चल के दिक्कत आएगी। देखिए, सही भी है और गलत भी है, क्योंकि आप स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हो तो आपको थोड़ी तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि बीसी वालों ने कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करी। जब वो भी फर्स्ट टाइम गए थे तो उनको भी इतनी प्रॉब्लम आई जितनी कि आपको आ रही है, ठीक है। लेकिन टाइम टू टाइम आप जब सीखते रहते हैं तो आपके अंदर खुद ही वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपको लग रहा होगा कि हाँ मुझे नहीं आता, वो इतनी जल्दी कर लेता है, ये इतनी जल्दी कर लेता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, अगले सेमेस्टर में जाएंगे तो आप अपने आप इम्प्रूव करेंगे। और बस आपको क्या चाहिए कि डेस्परेशन हो चाहिए कि मुझे ये करना है, बस इतना इम्पोर्टेंस है। हाँ, और BCA वालों तो मतलब ये होता है कि आप स्टार्ट में जाते हैं तो उनको लगता है मुझे ये चीज़ आती है, उस चक्कर में छूट जाता है, उनको लगता है मैं ये पढ़ चुका हूँ तो मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ज़रूरत सभी को होती है। तो वो जो है वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं, जबकि BSc वाले जो है वो लगातार कंटिन्यू रहते हैं। तो एंड में जाके अगर BCA वाला नहीं देखता है तो उसको डिसएडवांटेज होता है, और वहीं BSc वाले को एडवांटेज होता है, क्योंकि वो शुरू से है और लगातार मेहनत कर रहा है तो डेफिनेटली उसको फ़ायदा मिलेगा, बस यही बात है। और मैं विक्रांत जी से एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, जो काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं इस क्वेश्चन को, कि एज ए फ्रेशर कोई जब जाता है तो वो वहाँ पे रश लगा होता है कि उसे पढ़ना है, बस पढ़ना है पढ़ना है, तो उसके दिमाग से जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है जैसे डांसिंग हो गया आपका, क्रिकेट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, वो सब बिल्कुल इग्नोर कर देता है, उसे सोचता है कि मुझे करना ही नहीं है, अगर मुझे इंटरव्यू निकालना है तो ये सब मुझे नहीं करना है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्स्ट्रा करिकुलर लोग, आपने सही क्वेश्चन पूछा कि कई लोग इग्नोर कर देते हैं कि मुझे ये नहीं खेलना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, सिर्फ पढ़ना ही फोकस करना चाहिए, लेकिन देखिए लाइफ है तो आपको पढ़ना भी चाहिए। अलग अलग टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इस समय मुझे पढ़ना है और इस समय मुझे ये काम करना है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर आपके लिए कोई नुकसान नहीं बल्कि आप फ़ायदा ही है। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, अगर आपसे पूछता है कि आपने इसके अलावा और क्या किया है, तो आप उसको बता पाएंगे हाँ मुझे डांसिंग का शौक है, मैंने डांस किया, मैंने यहाँ यहाँ पार्टिसिपेट किया है। उससे क्या होता है कि उसको पता चलता है कि हाँ आप कॉन्फिडेंट है। अगर आप कभी स्टेज पर गए हैं तो आपको उसको पता चलेगा कि हाँ स्टेज फियर नहीं है इसको, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, निगेटिव नहीं होता। और रही बात, लोग बोलते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर पर ज़्यादा ध्यान देंगे, आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं या वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो आपको इससे प्रॉब्लम होगी पढ़ाई में, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे साथ के दोस्त थे या जो गर्ल्स थी मेरे साथ की, उन्होंने सबसे पहले प्लेसमेंट लिया, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव थी वॉलीबॉल में, ठीक है। तो ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर तुम्हारे लिए एक फ़ायदे की चीज़ है, ना कि नुकसान की। हाँ, तो हम लोग आज जानना चाहेंगे कि विक्रांत सर के अपने पर्सनल सजेशन क्या हैं इंटरव्यू के बारे में, वो किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं और वो हम लोग को किस तरह से बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, सबका एक टाइम होता है और सभी को लगभग प्लेसमेंट अधिकतर लोगों का हो ही जाता है, कुछ बहुत बचते हैं उनका भी हो ही जाता है। लेकिन जो लोग क्या करते हैं कि अगर उनका स्टार्टिंग में प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वो लोग थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं और सोचते हैं कि अब मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है, बस आपको फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर,
आप उसको कितना टाइम दे रहे हैं। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपका प्लेसमेंट ज़रूर हो जाएगा, हर हाल में होगा, और कम्युनिकेशन को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी अगर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे तो आपके लिए नुकसान ही है वो। अगर आप देखते हैं कि आपको लगेगा कि हाँ इन लोगों को नहीं होना चाहिए अभी प्लेसमेंट, इन लोगों का पहले हो गया और मेरा अभी तक नहीं हो पाया, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना आपको। देखना है कि हाँ हर कंपनी आ रही, शायद इस कंपनी में मेरा हो जाए या इस कंपनी में, और आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं उस कंपनी के लिए। तो बस यही है कि आप डिप्रेशन में मत जाइए। अगर आगे वाले टाइम में अगर कुछ समय के लिए आपका रुका हुआ है, प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा वेट करिए, कंपनियां आएंगी तो आपको हो जाएगा। तो इतना जो कोई डिप्रेशन में लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। सो एज ए फ्रेशर्स हम लोगों ने अपनी सारी क्वेरी अपने सीनियर से पूछ ली। हमें लगता है कि हम लोगों ने आपकी भी सारी क्वेरी को कवर कर लिया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम लोग ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।